ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله इस मजमे को गजूर मजमे को मऊ और आजमगढ़ तो इल्मी शहर तो साफ बात है। वही बात दोबारा कहूंगा मैं कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत उपमहाद्वीप में बसने वाले मुसलमान जिस हाल में है, भारत का मुसलमान उससे अच्छे हाल में है हर लिहाज से। ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डील करना है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो तो जिंदगी की पहचान है, ऐसा होता है। लेकिन ये कि मायूसी से निकालना है लोगों को, होपलेस नहीं होने देना है। जिस तरह मुसलमानों को एक खास विशेष कम्युनिटी को होपलेस करने की कोशिश की जा रही है अंदर बाहर दोनों तरफ से, उसका मुकाबला करना है। यही बात है कि जब देश का विभाजन करने की कोशिश हो रही थी तो भारत के मुसलमानों ने उसका विरोध किया और इंडिया को चूज किया। आगे 20 साल के आगे तालीम तालीम सिर्फ और सिर्फ तालीम, अगले 20 साल तक आधी खाएंगे, सूखी खाएंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन अपनी बच्चियों और बच्चों को तालीम से, एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे, महरूम नहीं रहने देंगे। देखिए, दो तीन इश्यूज थे इसमें मेन। एक फिरका परस्ती था, दूसरा कौमी यकजहती था कि लोगों को ये पैगाम देना था कि आपस में मिलजुल करके रहना है और झगड़े को बढ़ने नहीं देना है।